खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ यखनी वाला पुलाव। यखनी वाला पुलाव के लिए मैंने तकरीबन 2 बड़ी साइज़ के प्याज लिए, उनको मैं लाइट ब्राउन कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट। ये 1 kg लिया मैंने मटन का यखनी वाला पुलाव। ये देखें, ये लिया मैंने 1 teaspoon ली कुटी लाल मिर्च, 1 teaspoon सूख मिर्च पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला, 2 teaspoon सूखा धनिया, 1 pinch ली मैंने हल्दी, 1 teaspoon लिया मैंने भुना जीरा पाउडर, 1 teaspoon मैंने लिया नमक। ये अभी मैं गोश्त में डालूंगी, फिर चावलों के लिए और ऐड करूंगी। तो 2 teaspoon लिया मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये प्याज मेरे हल्के ब्राउन हो गए, अब मैं इसमें ऐड करूंगी गोश्त। सारे डाल के पहले इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि अच्छे से खुल जाए। जब ये खुल जाएगा अच्छे से, तब ये कुछ जब सही हो जाएगा। अभी तो ये इसको फ्रीजर से निकाला है, तो फिर मैं इसको भूनूंगी। इससे पहले मैं ये सारे मसाले जो है इसमें ऐड करूंगी जो मैंने अभी बताए हैं। सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। 1 कप पानी डाल के जब ये गोश्त थोड़ा सा सही हो जाएगा, अभी फ्रीज हुआ था, बर्फ बना हुआ है, तो जब ये खुल जाएगा थोड़ा फिर इसको मैं भूनूंगी। अभी मैं इसको ढक रही हूँ। अब मैं इसको 7 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। कवर करने के बाद 7 मिनट के बाद मैं इसको देखूंगी जब ये खुल जाएगा, फिर इसको मैं ब्लैक व्यूअर्स, ये देखिए मैंने ये देखें, ये अब बिल्कुल सही हो गया गोश्त। अब मैं इसको भून रही हूँ अच्छे तरीके से। तकरीबन 1 चोटी पहले मैं इसमें ये दही ऐड कर रही हूँ। मेरे पास रायता पड़ा था, मैंने रायता इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको भूनूंगी अच्छे तरीके से। ये देखिए मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें डालूंगी ये तकरीबन 1.5 liter ये देखिए पानी है, पानी इसमें सारा ऐड कर रही हूँ। ये ऐड कर, पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख। तो व्यूअर्स ये देखिए मेरी मटन यखनी तैयार है। अब मैं इधर पुलाव की तैयारी करती हूँ। ये देखिए टमाटर, हरी मिर्चें और गरम मसाला डाला मैंने, थोड़ी सी प्याज डाल के। ये देखिए ये यखनी जो मैंने बनाई थी, क्योंकि मटर को पहले में से मैंने भून लिया था, फिर मैंने यखनी बनाई, फिर मैंने पतीली में प्याज ऐड किए, प्याज हल्के ब्राउन किए, थोड़े से मैंने और टमाटर और हरी मिर्ची डाली मैंने। अब मैंने ये देखिए ये काली मिर्ची 1 चम्मच इसमें ऐड की। ये देखिए अब मैं इसमें राइस ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए मैंने इसमें चावल ऐड किए। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दूंगी 2 मिनट के लिए। चावल ऐड करने के बाद अब इसमें बॉयल आएंगे, चावल फूलेंगे, फिर इसको दूंगी मैं दम। पानी ड्राई हो गया, अब मैं इसे दम पे देने लगी हूँ। तकरीबन मैं अब इसे 10 मिनट के बाद देखूंगी। मेरा यखनी पुलाव बन के तैयार है। आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।